तो रोड खराब होने की वजह से फिर मुझे बार बार उतरना पड़ रहा है। मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मेरे को जाना था दगड़ियों, और यहां पे गाने की आवाज भी आ रही है। आप नीचे देख सकते हैं यहां पे लोग बैठे हुए हैं और एरिया बहुत ही प्यारा है। लोगों की लाइन देखिए, लोग लगे हैं फोटो खींचने में, आप लोग देख सकते हैं उधर। ये पीछे ठीक आप देख सकते हैं, ये है हंसी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो देखिए फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। जैसे आप लोगों ने दोनों देख लिया होगा थंबनेल में कि आज कौन सा ब्लॉग है। तो अभी दगड़ियों फाइनली मैं जाने वाला हूँ कहाँ पे, जहाँ पे हंसी ढूंग बोलते हैं, वहाँ पे राजा रुचि का मतलब हंसी ढूंग एरिया है, वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, भंडारा है, लास्ट दिन है आज। करीबन 3 दिन से यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज फाइनल दिन है, तो देखते हैं अभी दगड़ियों। पहुंच चुका हूं जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि तराड़ गांव में, आपने सुना भी होगा कि अब बच्चों के लिए स्टेडियम बन रहा है, यहां पे क्रिकेट खेलने के लिए यहां पे स्टेडियम बन रहा है। तो स्टेडियम का जो काम है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूं थोड़ा बहुत, उसके बाद आगे मैं हंसी ढूंढ जाऊंगा जहां पे भागवत कथा चल रही है 2-3 दिन से। तो आज फाइनली वहां पे भंडारा है, तो वो चीज़ भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। सल्ट के जो नवयुवा है क्रिकेट मैच में रुचि रखते हैं, तो वो भी इस यहाँ पे आके अपना दमखम दिखा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ से। सारा मैदान ऐसा लग रहा है जैसे शहर में आगे होंगे, क्योंकि शहर में ऐसे मैदान बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन पहाड़ों में बहुत कम ही मिलते हैं देखने को। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काम अभी चले, और अभी देखिए कैसा मस्त बना दिया यहाँ से पूरा एरिया। देखिए इतना बड़ा स्टेडियम जब बन के तैयार हो जाएगा ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे, और हमारे तराड़ गाँव को भी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे स्टेडियम में यहाँ पे लोग खेलने के लिए आएंगे और बड़े बड़े यहाँ पे मैच होंगे, तो फिर अच्छा लगेगा यहाँ भी ना, क्योंकि यहाँ पे रोजगार मिलेगा, लोग यहाँ पे छोटे छोटे अपने रोजगार खोलेंगे। तो भी आप लोग देख सकते हैं रोड कैसी है। तो रोड खराब होने की वजह से फिर मुझे बार बार उतरना पड़ रहा है, क्योंकि रोड बहुत ही मेन रोड जो आपको मरचुला टू डिकेशन वाली रोड है, तो वहाँ जाएंगे अभी, चलते हैं उसी रोड पे। वो रोड तब भी अच्छी है क्योंकि उसमें काम दिन रात चल रहा है और यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। तो रबू बह गए आगे, वहाँ वहीं मिलेंगे आपको। तो वहाँ पे एक पुलिया भी बन रहा है यहाँ पे रोड के लिए, आप लोग देख सकते हैं इधर इधर देखिए इधर पुलिया बन रहा है। अभी टू भिकेशन वाली रोड है, लेकिन अभी इसकी हालत देखिए आप लोग कैसे हो रही है, और कई सालों से यहाँ पे लोगों की डिमांड टू भिकेशन वाली रोड जल्द से जल्द आनी चाहिए, लेकिन आ तो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आदमी पैदल तक नहीं चल पाएगा तो इस रोड को क्या करना है ना, बात तो वही हुई। तो अभी जैसे भी है देख सकते आप लोग, देखिए कैसे आ रहे हैं, देखो दिक्कत हो रही ना, दिक्कत हो रही चलने में, बहुत दिक्कत हो रही भयंकर, क्योंकि ऊपर ये देखिए पत्थर भी गिरे ऊपर से, भयंकर। एक चीज़ तो यहाँ पे सही हो रखा है, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास हो रखा है। क्या आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पुलिया बने का ना, वो दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, जैसे तल्ला सल्ट हो गया हमारा, ये भनखाल वाला क्षेत्र हो गया, और इधर मोलेखाल वाला क्षेत्र हो गया, दोनों क्षेत्र को आराम से इसने जोड़ दिया पुलिया ने। तो एक तो अच्छा काम हो गया, बहुत ही अच्छा काम हो रखा है ये वाला। ये पुलिया बन चुका है यहाँ पे, और लगभग टाइम हो चुका है इसको बने हुए, शायद मेरे को लग रहा है कि 6 महीने शायद हो गया इसको बने हुए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं दूर दूर क्षेत्र से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और अभी यहाँ पे गाड़ियों की लाइन देखिए आप लोग, बाइक लगे हुए यहाँ पे, और इधर देखिए आप लोग इधर भी बाइक लगे हुए, स्कूटी लगी हुए, और बड़ी वाहन जो है वो भी लगी हुई यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे यहीं से नीचे के लिए रास्ता है, दिखाऊंगा आप लोगों को नीचे के लिए रास्ता, ये देखिए यहाँ पे, और ये है नीचे मंदिर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, रामगंगा नदी के किनारे के बगल में है मंदिर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ से नीचे चलते हैं फिर, क्या क्या कार्यक्रम होता है अभी वहाँ पे देखेंगे, आप लोग बने रहे आज के ब्लॉग में। और कुछ लोग तो आना शुरू हो चुके हैं, मतलब वहाँ भंडारा खत्म हो गया होगा, शायद चल रहा होगा अभी, तो जो दूर दूर क्षेत्र से लोग होंगे वो आ रहे हैं वापिस। लोग आना भी शुरू हो चुके हैं घर को वापिस,
तो दूर दूर क्षेत्र से होंगे ना लोग, तो अभी आ भी रहे वापस। और हम तो अभी लेट में आए, करीबन 1:30 बजने वाला है, 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे हम यहाँ पे आ रहे हैं। गाने भी चल रहे हैं वहाँ पे, आप लोग सुन रहे होंगे, उधर गाने की आवाज़ भी आ रही है और कुछ लोग तो आ भी गए घर को वापस। देखिए आप लोग, रामंगा नदी किनारे पहली बार ऐसा फंक्शन देखने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है तगड़े हो, आप लोग भी देख रहे होंगे फर्स्ट बार। तो मैं पहली बार यहाँ आ नहीं पाया क्योंकि परसों 4 तारीख को यहाँ पे वो था कलश यात्रा, तो उसमें शामिल नहीं हो पाया मैं। मुझे पता नहीं था, पता क्या था, मेरे पास कुछ साधन भी थी यहाँ आने की, तो आज तो रविंद्र भाई के साथ में आया हूँ यहाँ पे ये साधन में। तो अभी देखते हैं फिर लोग आ रहे हैं वापस, हम चल रहे यहाँ से आगे ले, मिलते हैं कुछ सीधा नीचे मंदिर पे। मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मेरे को जाना था दगड़ियों, और यहां पे गाने की आवाज़ भी आ रही है, आप नीचे देख सकते हैं यहां पे लोग बैठे हुए हैं और एरिया बहुत ही प्यारा है। आप लोग यहां पे आ सकते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए आ सकते हैं आप लोग यहां पे। आज तो यहां पे कार्यक्रम था इसलिए यहां पे ज़्यादा चहल पहल है, और कार्यक्रम ना होने की वैसे यहां पे चहल पहल कम ही होती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे बहुत ही शानदार नज़ारा है, यहां से आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आप आके और नीचे नदी में नहा भी सकते हैं। मतलब गर्मी के टाइम पे एक अच्छा पंच पॉइंट है आप लोगों के लिए यहां पे घूमने के लिए, मतलब अच्छा लोकेशन है, एकदम बेस्ट लोकेशन। दगड़े फाइनली जो यहाँ से प्रसादी है यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं इधर से बन रहा है, गर्मा गर्म बन रहा है यहाँ प्रसादी, उसके बाद नीचे जा रहा है यहाँ पे खेत पे, आप लोग देख सकते हैं ठीक रामंगा नदी के किनारे में यहाँ पे खेत पे खिलाया जा रहा है सभी को खाना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रसादी खिलाया जा रहा है सभी लोगों को यहाँ पे, और दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और कुछ बूबू जी भी आ रखे हैं, अम्मा भी आ रखे हैं, अम्मा तो इनसे खाना खा रही है और बूबू जी कुछ इधर भी बैठे हैं और वो लगे हैं तमक पीने में, आप लोग देख सकते हैं। ये तो अभी देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, इसे देखिए पूरा एरिया ठीक है, अच्छा एरिया। और अभी हाशाडूंग जो है उधर है, दिखाऊंगा आप लोगों को, तो बने रहे आज के ब्लॉग में और आप लोग स्किप तो बिल्कुल मत करना। अमेजन के जंगल से जा रहे हैं, अमेजन के जंगल से, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही डेंजर जंगल है यहाँ पे। और फाइनली हम पहुँच गए राजा हरुत हाशीढुंग स्नान घाट प्रवेश द्वार। तो देख सकते हैं आप लोग, कल तक आपने ये चीज़ पता किस में देखा होगा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, और आज पहली बार आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं राजा जय राजा हरुत हाशीढुंगा स्नान घाट प्रवेश द्वार, ठीक है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलते अंदर दिखाते हैं आप लोग, तो बने रहे आज के। ये देखिए यहाँ पे तल्ला सल्ट
तल्ला सल्ट समाज समिति पंजीकरण एवं मंदिर कमेटी ग्राम पीनाकोट आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे वो भी लिखा है कि समस्त श्रद्धालु भक्त आप अपने सामान जैसे मोबाइल फोन बैग जूते चप्पल इत्यादि का स्वयं ध्यान रखें। मतलब और भी यहाँ पे निर्देश लिखे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। ये है हंसीडोंग, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है और घाघरे का छाप यहाँ पे लोग बोलते हैं, तो दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो बने रहे आज के ब्लॉग में और आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को वहाँ लेके आ गया हूँ जहाँ आप लोगों ने पहले भी कई बार कमेंट कर रखा है। आज मैं पहली बार आपको अपने चैनल के माध्यम से हंसीडोंग का दर्शन कराने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पीछे, ठीक आप देख सकते हैं ये है हंसीडोंग। ठीक है, ये हंसीडोंगा बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज यहाँ भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है, मतलब आज क्या समापन हो गया। आज करीबन 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में था भागवत कथा, 3 दिन का था और आज फाइनली समापन हो चुका। लोगों की लाइन देखिए, लोग लगे हैं फोटो खींचने में, आप लोग देख सकते हैं उधर ठीक लगे हैं फोटो खींचने पर लगातार। लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिन लोगों ने देखा नहीं है वो भी पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए। और देखिए आप लोग उधर से, वो देखिए देखिए ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है। और ऊपर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए धूप अगरबत्ती भी जलाई जा रही है वहाँ पे अम्मा के द्वारा। और ये है पत्थरों जहाँ पे घर का छाप था पहले, अब तो है नहीं, बल मिट चुका है। बहुत साल पुराने की कहानी है, बहुत साल पुरानी कहानी है। आप लोग मालू शाही और हरवीत जी की कहानी सुनना चाहते हो तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे कई सारे वीडियो बने हुए हैं। और आज पहली बार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे जो हंसीडोंग है उसका दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। जय तो दगड़ियों हंसीडोंग का जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दिखा ली थोड़ा बहुत, जितना मेरे को पता, जितना मेरे को पता था, ठीक है पूरी नहीं, मेरे को हल्का फुल्का पता था कि हंसीडोंग कहाँ पे है। और वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लोगों की भीड़ भी लगी हुई है, लगातार लोग यहाँ पे लगे हैं सेल्फी लेने में और दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। तो आज मैंने भी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा दिया आप लोगों को। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय।